नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। बच्चों, आपको बता दूं, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में 14, 15, 16, 17 जो आपका 12 शिफ्ट थी वो हो चुकी हैं। 13वीं शिफ्ट आज थी, जो 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो मैंने एनालिसिस करा है कंप्यूटर के क्वेश्चनों का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछे जा रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा एमएस वर्ड में शॉर्ट की वगैरह होती हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड से ही बनते हैं। तो एमएस वर्ड से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये विश्वास रखना है आपको। आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमारे में ये क्वेश्चन आया था। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने बच्चों ने मुझे बताया, उसका पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। और आप भी वीडियो को देखकर लगेगा आपको कि हाँ वाकई में हमारे सारे क्वेश्चन जो है ये ठीक हो जाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो छोड़ दी तो समझ लीजिए, क्योंकि एमएस एक्सेल की भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो आपको बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेनी है। और गाइज, यदि आपका पेपर 20 तारीख नवंबर में आपका छोटा है सेकंड शिफ्ट में, तो हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। आप हमें ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम का है दिल्ली पुलिस से संबंधित, उस पर भी बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। तो आप कहीं भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं इस वीडियो में आपका। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है आपका कंप्यूटर क्वेश्चन 2023 में लेकर आया हूँ। देखिए, एमएस वर्ड में आपको बता दूँ, एमएस वर्ड 365 में जब हम जो है मिनी टूल बार, ये क्वेश्चन आया था, जो मिनी टूल बार जो उन जो है टैब्स जो सेल होती हैं, सेल या रो मान सकते हैं आप, कॉलम में राइट क्लिक करने से प्रदर्शित होता है, उन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। तो अब जब आप डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं डिलीट विकल्प पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं डिलीट विकल्प पर क्लिक करता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, यानी कौन सा जो विकल्प है वो नहीं आता है। तो डिलीट रोज जरूर आता है, डिलीट कॉलम्स आता है, डिलीट सेल्स आता है, ये बिल्कुल है, ये तीनों चीज़ आपके आएंगे, लेकिन डिलीट पेज का ऑप्शन कभी नहीं आएगा बच्चों, कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये एक सिक्वेंस याद करनी है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी बड़ी आ रही है, जिसमें बच्चे थोड़े से परेशान मुझे दिखे हैं कंप्यूटर से संबंधित, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और गाइज, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, गाइज हर चीज़ की पीडीएफ बना के आपको देता हूँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें मैंने थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट बताया है। यहाँ पे एमएस वर्ड 365 में जब हम मिनी टूल बार को डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो टेबल सेल होती है, रो या कॉलम जो होती है, वो राइट क्लिक करने से आपका डिलीट करना चाहते हैं, जिसको आप बताते हैं, तो यूजर के जितने भी ऑप्शन आते हैं मैंने सब लाया हूँ यहाँ पे। देखिए, एक तो डिलीट रो आती है, यह जो है ऑप्शन टेबल से जो सेलेक्ट किया जाता है आपका, या रोज जो है रो आप सेलेक्ट करते हैं वो डिलीट कर देगा। और यहाँ पे कॉलम की बात करता हूँ, तो कॉलम भी इसमें आता है, डिलीट कर देना इसमें, डिलीट सेल भी आपका आएगा और डिलीट टेबल भी आएगा। अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आएगा, ठीक है। तो लेकिन डिलीट पेज नहीं आएगा, आप ये समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार शिफ्ट में पूछा गया है, तो दोबारा भी आपके शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बच्चे ज़्यादा गलती करने का चांस होता है इस क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप समझते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इस तरीके से होते हैं। तो इसे एमएस वर्ड में क्या है यहाँ पे बताना है आपको, एमएस वर्ड में के उदाहरण बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंट, जो ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन वो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है, तो क्रॉस आउट करता है कौन सा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रेखांकन नहीं होगा और स्ट्राइक थ्रू जो होता है ये होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने बच्चों को इसका आंसर पता था कमेंट में जरूर बताना बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववर्ती जो कहते हैं ना, यानी पूर्ववर्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की जो अपनाई जाती है,
एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववर्ती यानी दोबारा लाने के लिए आपको पता होगा जब आप किसी चीज को मतलब भूल जाते हैं। अंडो मतलब मैं ये आपको बताता हूँ अंडो का ऑप्शन कौन सा होता है, तो अगर कंट्रोल जेड आप कर देंगे तो अंडो। मतलब इसका कहने का क्या है, जो चीज आपने डिलीट कर दी, मान लिया आपसे गलती से डिलीट होगी, तो उसको अंडो कर सकते हो। अगर कंट्रोल जेड आप दबा दोगे तो वह वापस आ जाएगी आपके उसमें। शॉर्ट की बहुत ज्यादा पूछी जा रही है तो थोड़ा ध्यान रखना है शॉर्ट की पे आपको यहाँ पे। चलिए मैं जस्टिफाई आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड जो है 2016 में जो है वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध हुआ, यानी किस टैब के तहत। आपको बता दूं मैं आपको, जब डिजाइन आप करते हैं ना, जब आप डिजाइन करेंगे एमएस एक्सेल 2000 एमएस वर्ड 2016 वाले में, तो आपको वो चीज दिखेगी, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा कहीं पे डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डिजाइन जो है इसका सही आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया जो है दस्तावेज खोलने पर, अगर मैं नई फाइल कोई खोलता हूँ तो उसको जो है डिफॉल्ट सीट जो साइज होता है वो क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डिफॉल्ट सीट क्या रहता है, यानी बाय डिफॉल्ट सीट वो रहता ही रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। बाय डिफॉल्ट उसमें जो है 11 ही रहता है। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में मैंने आपको कुछ बताए जो कुछ शॉर्ट की हैं वो भी आपको बताई हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में एक जो कैरेक्टर जो आधार रेखा, एक कैरेक्टर जो होता है ना एक आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सुपर स्ट्रिप्स जो होता है उसे सुपर स्ट्रिप्स कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यानी एक जो करेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर होता है, आधार रेखा जो होती है नीचे आधार रेखा से ऊपर होता है, उस करेक्टर को सुपर स्ट्रिप कहते हैं। जब आप सिस्टम कंप्यूटर खोलेंगे ना उसमें, तो आपको वो चीज़ दिखाई देती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में जो फॉन्ट होता है, यानी कि डायलॉग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट की है, अगर मुझे फॉन्ट जैसे चेंज करनी है, मान लिया मुझे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट उसमें कुछ भी है मुझे वो चेंज करनी है, तो आप कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल डी आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी। जिन बच्चों ने आल्ट और कंट्रोल प्लस डी किया है भाई साहब बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, सवाल गलत हो जाएगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी जैसे आप क्लिक करेंगे फॉन्ट के साइज खुल के आ जाएंगे, आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सवाल को अच्छे से देखना, सवाल बहुत ही नॉर्मल है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज अब जो है उन्होंने चेंज कर दी है। 20 तारीख के पेपर में लैंग्वेज का फर्क मैंने देखा है, बच्चे बता रहे थे लैंग्वेज में सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो थोड़ा सा लेंथी उन्होंने पेपर किया है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एस क्लिक किया जाता है, सेव एस बच्चों, सेव एस, सेव एस। अगर किसी भी चीज को आप सेव करते हैं तो आपको पता होगा कंट्रोल कंट्रोल प्लस आपको एस कर देंगे आप, तो जो फाइल आपकी है वो सेव हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है ऑप्शन में, तो ये है ही नहीं, इन्होंने पूछा एमएस वर्ड में सेव एस किस तरह करते हैं, तो F12। जैसे ही आप F12 करेंगे तो सेव एस आपकी जो है सेव एस हो जाएगी आपकी फाइल, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए और बाय डिफॉल्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट होता है, यानी एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, में टैग जो है टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट मतलब आपने जो लिखा है, मान लिया ये चीज लिखा है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो किस चीज से कलर चेंज करूंगा मैं, तो फॉन्ट कलर होता है वहां पे। जब आप कंप्यूटर में ऊपर जाओगे तो वहां पे लिखा होगा फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर पर जैसे ही क्लिक करोगे आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड 2010 में जो है रूलर विकल्प को, रूलर जो विकल्प होते हैं ना को जो है सक्षम करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है, उनको सक्षम बनाना है, तो सबसे अच्छा व्यू होता है व्यू, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, व्यू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट हो गया व्यू। तो व्यू से जो है उस टैब को पूरा किया जाता है एमएस वर्ड 2010 में। मैं आपको बता रहा हूँ 2007 2010 2016 भाई साहब है तो, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना ये सब चीज़ करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड में जो डिफॉल्ट जूम होता है उसका स्तर कितना होता है, तो सभी पता है 100 होता है, कभी भी आप देखेंगे उसका जो स्तर होता है बाय डिफॉल्ट वो 100 ही होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिखित टेक्स्ट और एक कागज के किनारे के बीच
किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा मार्जिन बोलते हैं उसको, मार्जिन, मार्जिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये मार्जिन, अगर किसी को नहीं पता है तो अभी अब आपको पता चल गया है, आप उस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छी अच्छी और जो शॉर्ट की याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ चयनित सामग्री की जो क्लिप बोर्ड पर जो है लेना है, क्लिप बोर्ड पर लेना है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है आप बात करेंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों इंग्लिश में लैंग्वेज वहाँ नहीं आ रही, क्योंकि आप कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते के समझ सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज आ रही है वहाँ पे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चयनित सामग्री के विकल्प बोर्ड पर जो लेना है, अगर मुझे चयनित सामग्री विकल्प बोर्ड पे लेना है तो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। कंट्रोल एक्स करने के बाद आपको पता है जो है कट हो जाएगा, कट के बाद आप जहाँ भी पेस्ट करेंगे आपका वो सीधा वहाँ पहुँच जाएगा। बात करते हैं चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर जो है कॉपी करने के लिए, तो सी करेंगे। जैसे ही आप एक्स करेंगे वहाँ पे, एक्स से भी डायरेक्टली आ सकते हैं, कॉपी सी करेंगे। जैसे किसी चीज़ को लेना है वहाँ से खत्म हो जाएगा वो, एक्स दबते ही सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। बात करते हैं क्लिप बोर्ड की सामग्री को रखना, यानी अगर क्लिप बोर्ड की सामग्री को आपको रखना है या चिपकाना है तो आप कंट्रोल वी करेंगे। अरे यार कंट्रोल वी होता है पेस्ट, समझ रहे हैं ना आप? कंट्रोल वी, किसी भी चीज़ को आप कॉपी करेंगे उसे पेस्ट करेंगे तो वी करना पड़ेगा ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कट जाएगा। कंट्रोल, दो दो चीज़ें बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल एक्स करोगे तो पिछली चीज़ जहाँ से आपने उठाई है वहाँ से कट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप जहाँ ले जाओगे वहाँ चली जाएगी। कंट्रोल सी से उसकी एक कॉपी बन के तैयार हो जाएगी जहाँ जाएंगे। कंट्रोल वी से तो आप कहीं भी जाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, फॉन्ट जो है, फॉन्ट का आकार एक अंक बढ़ाना। अगर आप फॉन्ट का आकार एक अंक बढ़ाना चाहते हैं, कैसे? जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट 11 होता है फॉन्ट का, अब आपको 12 करना है, तो 12 करने के लिए आप क्या करें, कंट्रोल प्लस दबा दो भाई, कंट्रोल प्लस, और ये वाला जो ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको ये जो कोमा होता है, सॉरी कोमा नहीं, ये जो कोष्टक होता है, तो कोष्टक दबा दीजिए सही आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद में, टेक्स्ट को केंद्र में लाना, टेक्स्ट को केंद्र में लाना है तो कंट्रोल ई कर लो भाई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, टेक्स्ट अपने आप बीचों बीच आ जाएगा, सवाल बीचों बीच आ जाएगा आपका टेक्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए टेक्स्ट को जो है बाई और ले जाना, अगर लेफ्ट राइट कहीं भी ले जाना है यार, कंट्रोल एल, यानी लेफ्ट में आपको एल दबा दीजिएगा, अगर बाईं ओर ले जाना है तो कंट्रोल एल दबा दीजिएगा। तो ये शॉर्टकट की मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपके एग्जाम में आए तो इसको आपको समझ में आ सके। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एमएस वर्ड का जो वेल्डिंग फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी ओ सी, डी ओ सी डॉक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन बच्चों तक भी पहुँचाइए जिनका पेपर अभी जो है 20, 21 या 22, 23 तारीख तक जो उनका पेपर है, तो उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।